तो भाई मारुति सुजुकी ने इनविक्टो को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। अब इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हो। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इनोवा और इनविक्टो में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा। तो इनोवा और इनविक्टो की अगर प्राइस की बात करें तो 1.5 लाख रुपये का डिफरेंस आएगा टॉप मॉडल के अंदर। वो 1.5 लाख रुपये का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इनविक्टो में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, यानी कि नहीं दिए गए हैं, और वो इनोवा में आपको मिलते हैं। जैसे कि फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फोक लैंप आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपको इनोवा में मिल जाता है। तो पहला एक ये डिफरेंस आएगा। दूसरा, आपको यहाँ पर जो व्हील मिल रहा है वो आपको यहाँ पर 17 इंच के कंपनी ने दिए हैं, जबकि उसके अंदर आपको 18 इंच के व्हील मिल जाते हैं। इसके अलावा और कोई साइड प्रोफाइल वगैरह में बड़ा डिफरेंस नहीं है। इंटीरियर में अगर आप देखोगे तो वहाँ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, जैसे कि स्पेस वगैरह आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सी मिल जाती है। बाकी फीचर्स वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज आपको मिलेगी, जैसे कि दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 10 इंच का डिस्प्ले मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह आपको सब मिल जाएगा। साथ ही पैनारोमिक सनरूफ वगैरह आपको मिल जाता है। और 1.5 लाख रुपये का जो मेन डिफरेंस है वो कुछ एक फीचर्स हैं उसके वजह से है, और दूसरा हाईलाइटेड फीचर है एडास, जो कि आपको इनविक्टो में नहीं मिल रहा है। इनविक्टो को हाइब्रिड के साथ तो लॉन्च किया गया है, लेकिन इसमें एडास नहीं है, जो कि आपको इनोवा हाईक्रॉस के टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है। और मेन 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस उसी की वजह से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है सिर्फ हाइब्रिड इंजन के साथ में। यहाँ पर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन नहीं है, 2 लीटर का आपको हाइब्रिड इंजन मिलेगा, जिसके साथ ECVT ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है 3 राइडिंग मोड्स के साथ में। इको पावर और इको नॉर्मल और पावर, 3 राइडिंग मोड्स आपको मिल जाते हैं। प्राइस की अगर बात करूं तो 24.79 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम से शुरू होती है। सिटिंग ऑप्शंस दो मिल जाएंगे, जेटा प्लस 7 सीटर, जेटा प्लस 8 सीटर, और अल्फा प्लस टॉप एंड वेरिएंट आ जाता है, जो कि 28.42 लाख रुपीज़ का एक्स शोरूम रखा गया है। और यही टॉप वेरियंट है जो आपको 1.5 लाख रुपये सस्ता मिल जाता है इनोवा हाईक्रॉस के कंपेरिजन में। तो क्या कुछ खास मिलता है इनोवा हाईक्रॉस से, उसकी अगर बात करूं तो बेसिकली फीचर स्पेसिफिकेशन वगैरह सिमिलर हैं, लेकिन हाँ लुक्स अगर आप देखते हो, फ्रंट में जो ग्रिल पे क्रोम का यूज़ किया गया है वो, इसके बाद में जो अलॉय व्हील्स हैं डायमंड कट फिनिश में, इनको अगर आप देखते हो तो ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम फील देंगे, ज़्यादा प्रीमियम लुक देते हैं आपको इनोवा हाईक्रॉस के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल कैसी लग रही है आपको ये गाड़ी, कमेंट करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें।